सो हाय स्टूडेंट्स, टुडे हमारे साथ जो है अभिषेक शर्मा है, जो कि आईआईटी बॉम्बे में एमएससी जियोफिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स और रिक्वेस्ट था कि आईआईटी बॉम्बे के जियोफिजिक्स में ऐसी क्या प्लस पॉइंट है, ऐसा क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में। तो आज अभिषेक हमें सारी चीजें क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभिषेक की रैंक काफी ज्यादा बढ़िया थी जो है 2019 में। सो एक्चुअली ही डिसाइडेड टू परस्यू अ जियोफिजिक्स, नॉट फंडामेंटल फिजिक्स। सो डेफिनेटली वी विल आस्क हिम कि व्हाई जियोफिजिक्स ओवर फिजिक्स, एंड वी विल आल्सो आस्क कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है आईआईटी बॉम्बे फिजिक्स का, जियोफिजिक्स का पर्टिकुलर। एंड देन ये हमें बताएंगे कि बेसिकली जियोफिजिक्स में क्या करते क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर आप बोलते रहे हो कि जियोफिजिक्स कर लो, जॉब लग जाएगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट जनरली जो बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये सब पढ़ के आते हैं। तो क्या इन सब की नॉलेज जियो फिजिक्स में यूजफुल होगी या डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिक्स होगा, तो ये सारी चीजों के बीच का डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद मिस्टर अभिषेक शर्मा, हु इज करंटली अ स्टूडेंट ऑफ एमएससी जियो फिजिक्स एट आईआईटी बॉम्बे। सो अभिषेक, हाउ आर यू? फाइन, फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम टोटली फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, tell us why you decided to go IIT Bombay. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, मैं आपको पहला रीजन बताता हूँ कि व्हाई आईआईटी बॉम्बे। दिस विल बी द लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो मेरे से काफी लोगों ने पूछा है, क्योंकि एक्चुअली मेरा TFR में भी सिलेक्शन हो गया था एंड आई एम अमॉन्ग लाइक द 27 स्टूडेंट्स इन। I know that I already shared that Abhishek या Sanmi has also that तो question. ये एक प्रॉब्लम, मतलब ये काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्यों तुमने स्पेसिफिकली जियो फिजिक्स क्यों लिया लाइक रिसर्च डोमेन में। सो इसका रीजन एक्चुअली मेरा पर्सनल रीजन है। देर आर फाइव मेजर रीजंस जो मैं समझता हूँ कि मेरे को काफी ज्यादा इस जॉट डाउन करने में काफी हेल्प की है। बाय द वे, अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं, मतलब उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज था 2020 में कि क्या फिजिक्स लूँ या जियो फिजिक्स लूँ, क्या करूँ, तो मेरा एक तरीका है जो आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजन से पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको कभी भी लगता है ऐसा कंफ्यूजन है माइंड में, तो आप मल्टीपल चीजें एक साथ सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आप सिंपल एक काम करिए, आप एक लाइन खींचिए और अपना पॉजिटिव और नेगेटिव्स लिखिए। आपको पता लग जाएगा कि आप क्या एक्चुअली सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो उस टाइम में मैंने यही सोचा, और पॉजिटिव्स में जो इम्पैक्ट जो चीजें आईआईटी बॉम्बे प्रोवाइड करता है वो सब चीजें मेरे को समझ में आ गई। तो उसमें मैं आपको कुछ चीजें जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है आपको बता सकता हूँ। ठीक है, पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का इन्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि यहाँ का मतलब एज अ वर्किंग इन्वायरमेंट भी, फिर लेबोरेटरीज भी, फिर पढ़ाई का इन्वायरमेंट भी, फिर आपका अगर आप लश फुल ग्रीन कैंपस देखेंगे तो वो इन्वायरमेंट बहुत हेल्प करता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो आपको चिल डाउन करने के लिए काफी हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंट एज अ होल पहला रीजन आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैंने जॉट डाउन किया वो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स। यहाँ पर आपको आईआईटी बॉम्बे में इतनी सारी चीजें इतनी वाइड वैरायटी में होती है कि अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाएंगे तो सिर्फ आप उधर ही घुस के रह जाएंगे। ऐसा भी होता है, कई सारे लोग सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स ही करते रह जाते हैं। और इतना सारा चीजें, मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक चीज का, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक पीओआर होता है, दैट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको वहां पर आकर यहाँ पर मिलेगी, उसकी वैलिडेशन रहती है, उसकी वैल्यू रहती है। और यहाँ पर कल्चरल्स, इन्वायरमेंटल्स, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड सब एकदम ओवर एंड ऑल ओपन है, तो आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेरा ऐसा था कि यार मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में घुस के नहीं रहना है। मेरा ऐसा मानना था कि नहीं यार, मैं अभी बीएससी में इतना वेल इक्विप्ड नहीं हूँ कि मैं कम्प्लीटली अपना 5-6 साल आगे डिसाइड कर पाऊँ। सो लेट्स गिव अ ट्राई कि देखते हैं कि हम लोग इस इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, अपना ग्रोथ कैसे, पोटेंशियल ग्रो करेंगे, राइट। फिर थर्ड रीजन जो मैंने लिखा था, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं, और जियो फिजिक्स में स्टार्टिंग में सब प्लेसमेंट्स के लिए, जब किसी एक्चुअली हमारे टीचर हैं, बहुत काफी जाने जाने माने टीचर हैं, जियो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ग्लोबल जियो फिजिक्स, उन्होंने यही पूछा था कि आप वाई जियो फिजिक्स। तो सबने मतलब ऑलमोस्ट आउट ऑफ 14 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है हमारी, तो 14 में से 14 सबने यही बोला कि सर प्लेसमेंट चाहिए, और मेजोरिटी सब एक ONGC की तरफ टारगेट कर रहे थे कि सर डायरेक्टली ONGC बस। तो या मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक रीजन प्लेसमेंट भी होता है, राइट। और जो लास्ट रीजन है, एक को अगर छोटा करो तो कंपटीशन, कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, आई एम नॉट एबल, आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग टू ब्रैग अबाउट इट, बट
मैं जिस बीएससी बैकग्राउंड से आता हूँ वो काफी डल कॉलेज था। वहां पर मेरा कोई कंपटीशन थी कंपटीशन नहीं था। इनफैक्ट मेरी थर्ड ईयर में कोई लैब वगैरह कुछ नहीं हुई थी फिजिक्स की, तो मेरे को लैब का भी कोई एग्जाम आइडिया नहीं है। टीयर थ्री टाइप का काफी कॉलेज था और ऐसे ही मतलब ले लिया था मैंने बीएससी यस करके। यस सो मेरे को अपनी पर्सनैलिटी और अपना कॉम्पिटिशन लेवल डेवलप करना था। लाइक यहाँ पर जो 14 स्टूडेंट्स हैं, आप मान सकते हैं 70-80% स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी वेल इन स्टडीज अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर्स। सो आई वॉन्ट टू लाइक वर्क विद देम। इसीलिए मेरे को लगता है कि मैं आप पर्सनैलिटी तभी डेवलप कर सकते हो तब अपने अपने आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे काम करेंगे। ऑब्वियसली 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 तो दीज आर द कपल ऑफ रीजंस जो इनिशियली आए थे। बाकी बहुत सारे रीजंस हैं बट दीज आर द मेजर वंस राइट। या यस आई नो कि वो बहुत सारे रीजंस में बहुत सारी चीजें आती हैं जनरली जो आईआईटीज में होती हैं, बट जैसे आईआईटीज में फेस्ट का कल्चर काफी बढ़िया होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिस्टम, क्योंकि हमें पता है मूड इंडिगो द आईआईटी बॉम्बे द बिगेस्ट टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल। सो एक्चुअली वन रीजन जो आपने मेंशन किया है बीच में कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन योर बैचलर्स कॉलेज, सो यू डिसाइडेड टू गो टू द आईआईटी बॉम्बे। एंड आई ऑलरेडी क्लियर दिस पॉइंट इन माई फर्स्ट ऑफ द वीडियो जब हमें पता चला, क्योंकि जनरली मैं हर साल जब भी मेरे को पता चलता है कि न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग, सो एक्चुअली मैं उनसे पूछता हूँ व्हाई यू आर गोइंग टू राइट अ आईआईटी जैम एग्जाम। तो देन वहां पर हमें बहुत सारे एनालिसिस मिले कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेरे कॉलेज में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। सो दैट पॉइंट यू ऑल्सो मेंशनड हियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द कंफ्यूजन दैट स्टूडेंट्स हैव that why you chose geophysics over fundamental physics. मैं इसका एकदम क्लियर कट शॉर्ट आंसर दूं तो आई एक्चुअली डोंट वांट टू परस्यू अ करियर इन प्योर फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट। नेवरदलेस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। थ्योरेटिकल फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बट यस मेरे को पर्सनल लेवल पे मेरे को यार ऐसा फील होता है कि कोई भी चीज जब तक उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो, जब तक उसका कोई यूज ना हो, आप डेली लाइफ में उसको यूज ना कर पाओ, तो यार उसका मतलब पढ़ने का इतना एडवांटेज आपके माइंड में नहीं आएगा। आप उसको यूज कर पाएंगे डेफिनेटली। आप थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे आप उसको यूज करेंगे बट कब? आप या तो एमएससी कंप्लीट करेंगे, मुझे लगता है एमएससी के बाद में नहीं, या तो आप पीएचडी डॉक्टरेट करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं तब आप रिसर्च फील्ड लाइन में जाएंगे या पोस्ट डॉक करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको यूज क्या है, यूज कहाँ कर रहे हैं राइट। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ऐसा होता है। नहीं तो कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी निकल सकता है जो पहले ही ये सब समझ गया और इन सब चीजों से पहले ही वो जल्दी इन सब चीजों को समझ लिया हो, पर मुझे लगता है इंडिया में एट दी एंड अगर रियलिटी की बात करें तो पीएचडी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर भी आईआईटी बॉम्बे में मैं जिससे ही मिला हूँ, इनफैक्ट 5 to 6 पीपल्स आर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो वही प्लेसमेंट में सिर्फ बैठ रहे हैं। मतलब सिर्फ प्लेसमेंट बैठ रहे हैं 5 to 6 पीपल आउट ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ आई थिंक 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स में, ये स्कोप है। तो उनका मेजोरिटी फोकस पीएचडी की तरफ रहता है। मैंने भी पहले सोचा था कि पीएचडी करूंगा यार, ये करूंगा वो करूंगा, बट बाद में आप थोड़ा तब मैच्योर होंगे तो आप अपने उस लेवल पे सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को एक्चुअली करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, और मेरा पर्पस अगर फिजिक्स लेके कुछ और डिफरेंट है तो वाई पीएचडी राइट। तो ये था। और दूसरा चीज ऐसा रहता है कि यार अगर आपको ऑनेस्टली पता होगा जियो फिजिक्स का आपको भी नॉलेज उस टाइम भी बैचलर्स में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बीएससी में कोई जियो फिजिक्स का कॉलेज नहीं है, जियोलॉजी का रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस जादवपुर है, बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं, उड़ीसा में भी है, बट जियो फिजिक्स का कोई कॉलेज है नहीं जो बैचलर्स प्रोवाइड नहीं करता है नहीं एज नो फार नो एज आई नो राइट। नो ओनली जियोलॉजी, दैट द फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू अर्थ साइंसेस। तो मैंने सीनियर्स वगैरह से बात की कि एक्चुअली जियो फिजिक्स है क्या, थोड़ा जानते हैं, तो थोड़ा उन्होंने बोला कि एक बुक होती है विलियम लाउरी करके जो कि फंडामेंटल ऑफ जियो फिजिक्स होती है। तो उस टाइम पे तब कोविड वोविड हिट हुआ था तो उस टाइम पे मैं सोचा कि थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा इसको थोड़ा देखते हैं क्या है भाई। तो देखा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब यार ये तो बढ़िया है, थोड़ी जियोलॉजी है बट वो हमको थोड़ा बोर लगेगी क्योंकि हम हमारी प्रैक्टिस रहती है थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने की, मैथमेटिक्स की, और जियोलॉजी थोड़ा सा यार ऑन द फेस साइड वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, मतलब थोड़ा रटने टाइप का सब्जेक्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। बट बाद में जब आप पढ़ेंगे कि आप जो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो आप जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, आप मैक्सवेल इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हाँ आपने वही पढ़ा है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं उसको। या एक्चुअली दैट इज जियोमैग्नेटिज्म एंड दैट पैलियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म आप पूरा अप्लाई कर रहे हैं उसको, आप पूरा सर अब तब सर्वे करेंगे तब आप उसकी पूरी एप्लीकेशन लेंगे और आपको प्रैक्टिकलिटी का बात पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं जो चीजें रहती है उसकी एक्चुअली कितनी लिमिटेशंस हैं एक्चुअल फील्ड में। ये आपको फील अगर आ रही है कि नहीं यार मेरे को थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, थ्योरेटिकल फिजिक्स की डेवलपमेंट ऐसी हुई है, बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं, बट अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को या तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा और या तो मेरे को चाहिए कि एमएससी के बाद मैं कुछ अलग करूं या फिर कुछ डिफरेंट करूं या फिर कुछ अच्छे एनवायरनमेंट पढ़ूं, तो
तो गो फॉर इट, और कुछ नहीं होता है कि आप जियो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है तभी वो जियो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दोस्त सब लोग इसी इसी चीज के लिए यहाँ पर आते हैं कि किसी को कोई आइडिया नहीं होता है, तो एग्जैक्टली उसकी तो प्रॉब्लम राइट। एग्जैक्टली सो एनी पर्टिकुलर फील्ड जियो फिजिक्स का जो आपको सबसे बढ़िया लगता है? यहाँ पर सबको सबसे ज्यादा साइस्मिक पसंद आता है, ओके एक आई थिंक एक ट्रेंड बन गया है साइस्मिक का, बट ओके ओवर एंड ऑल मेरे को इलेक्ट्रिकल, आप पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी चीज जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप अप्लाई करेंगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डाटा करके ओके और EMT वगैरह काफी सारी चीजें होती है, तो मेरे को एज अ होल जियो फिजिक्स अच्छी लगती है। एंड एनी पर्टिकुलर, जैसे क्योंकि जैसा मुझे पता है थोड़ी बहुत हमें एनालिटिक्स भी करनी पड़ती है कंप्यूटेशनली, तो कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करवाते हैं? या तो हमारे यहाँ पर जो करिकुलम है ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में आपको फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है जो काफी ओल्ड फर्स्ट लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, सी से भी पहले आती है, वो पढ़ाई जाती है, उसका बेसिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो फिजिसिस्ट थे पहले फोर्ट्रॉन पे काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं, उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा, और मोर और लेस पाइथन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पाइथन 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 यस पे आपको पूरा साइस्मिक डाटा कैसे, साइस्मिक नॉट साइस्मोलॉजिकल, साइस्मिक डाटा आपको कैसे लोड किया जाता है, कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में काफी अच्छे से सिखाया जाएगा, बढ़िया अच्छे से सिखाया जाएगा इन द सेंस अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो। मींस सॉरी फॉर इंटरप्शन बट मींस स्टूडेंट को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं आती है तो देन आई एम एंटरिंग इनटू जियोफिजिक्स तो मुझे समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली आईआईटी नहीं बॉम्बे विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर कि वो जीरो लेवल से प्रोग्रामिंग भी एंड देन फिजिक्स फंडामेंटल भी समझाते हैं, मैंने सिलेबस देखा है। एग्जैक्टली यहाँ पर उनको पहले से, एक्चुअली यहाँ पर फैकल्टीज इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, 20 20 साल 10 10 साल के, उनको पूरा एक्सपीरियंस, उनको पूरा एक्चुअली डोमेन नॉलेज पता है कि बच्चे कहाँ से उठा है, कहाँ से आया है, और तो कितनी नॉलेज जियो फिजिक्स की है, इसलिए हमारा पहले ही सब्जेक्ट GP 401 401 फर्स्ट सब्जेक्ट ग्लोबल जियो फिजिक्स, तो वो आपको पूरा जियो फिजिक्स का पूरा आइडिया देंगे, और वो जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर हेमंत सर है उनका नाम, वो मतलब उनकी डोमेन नॉलेज इतनी स्ट्रांग है, आपको पूरा समझाएंगे कि बेसिक जियो फिजिक्स होती क्या है, और आपको वहां से इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पहला सब्जेक्ट है जियो फिजिक्स का, तो ये बहुत एडवांस। हाँ, और कंप्यूटेशनल आपको लगता है कि पाइथन नहीं आती है, फोर्ट्रॉन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही आते हैं, इसी डोमेन से आते हैं कि मेरे को नहीं आता, BSc में आप कहाँ पाइथन आप कितना मतलब नो, लेंगे राइट। ओनली ओनली दो या तीन ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगे जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कुछ कोर्सेज कराते होंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो या तो मैटलैब से या साइलैब करके उन तरीके उन सब टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करवाते हैं उस कोर्सेज को। यस यस तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभिषेक बता रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन को फुल टाइट रखिए क्योंकि इफ यू वॉन्ट्स टू गो IIT बॉम्बे फॉर जियो फिजिक्स डेफिनेटली यू नीड टू गेट, अभिषेक बताएंगे अंडर नहीं एक्चुअली उसका ट्रेंड चेंज होता रहता है। मेरे टाइम पे आई गेस ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इन जनरल आई थिंक 170 कुछ थे, Yes, और so getting a 170 or let's say the rank will be a 150 because higher side में रहना चाहिए because number of candidates will definitely rise. So आपको जो है ये ध्यान रखना है कि 150 से अंदर लाने का मतलब है कि you are leaving IIT कानपुर MSc PhD dual degree. So उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फैसिलिटीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You have an example right now. वो बता रहे हैं हर बात को, आप सुनते रहिए. Now moving to the next and the one of the important point is also that how is the faculty there at IIT Bombay? हाँ, सो द फैकल्टीज आर प्रिटी लाइक एक्सपीरियंस्ड एंड कम फ्रॉम अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड। लेट्स से अगर जो हमारे जो सर आपको पाइथन जो सिखाएंगे वो बर्कली से पढ़े हुए हैं, उन्होंने PhD किया, और काफी सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं मतलब जो हमको पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने PhD 90% ऑफ केसेस में उन्होंने PhD बाहर से ही किया है, लेट्स से फ्रॉम जर्मनी और US, लार्जली US ही है, और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको जियो फिजिक्स पढ़ना होगा, यहाँ पर आपको जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, एक जैसे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हमारा था सेकेंड सेमेस्टर में जो कि एज अ होल पूरा IITs के जो मेजर ब्रांचेस होते हैं, जैसे CS CS आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, जो BTech स्टूडेंट्स हैं वो उनके प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और उनके प्रोफेसर आपको पता है कि लाइक आप कहाँ कहाँ से वो आते हैं। आई थिंक हमारे जो थे वो शायद से येल से थे, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट या यू कैन चेक द प्रोफाइल ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम द साइट इट्स, यू कैन जस्ट फिगर इट आउट, स्क्रॉल इट आउट, और आपको समझ में आ जाएगा कि या सो दे आर लाइक प्रीटी स्टैंडर्ड यहाँ पर IITs में। इनफैक्ट कल टीचर्स डे में कोई प्रोफेसर हमारे साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि IITs में प्रोफेसर को ऐसा नहीं लिया जाता है, काफी स्क्रीनिंग होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, तो आप बिल्कुल वो उन चीजों में डाउट ही नहीं करिएगा कि प्रोफेसर आपको गलत पढ़ा रहा है, ये चीज कभी नहीं आएगी, तो या ये चीज है कि यस आप यस फैकल्टी फैकल्टी बिकॉज IITs का एक सिस्टम है कि खास तौर पर मुझे इतना पता है कि टॉप 7 IITs क्योंकि न्यू IITs में क्योंकि फैकल्टीज का कम है
आईआईटीज अपने रूल के हिसाब से चलती है, और आईआईटी थोड़ी सी भी ढील नहीं देती कि हाँ फैकल्टीज कम है तो लेट्स टेक अ पीएचडी कैंडिडेट। नो, जनरली क्या होता है, जब तक कि आपके पास पोस्ट डॉक ना हो एंड प्लस 1 or 2 ईयर का एक्सपीरियंस ना हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी प्रोफेसरशिप एट आईआईटी बॉम्बे, इनफैक्ट एट ओल्ड आईआईटीज, क्योंकि उनका नाम होता है तो दे कैन नॉट टेक अ रिस्क फॉर देयर गुडविल। वो चाहते हैं कि बेस्ट फैकल्टीज को अट्रैक्ट करें। तो फैकल्टीज का तो खास तौर पे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर एंड गुवाहाटी, दीज काइंड्स ऑफ आईआईटीज में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होती है, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट आर ऑल्सो पेइंग वेरी हाई टू देम। बट न्यू आईआईटीज में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ गुड फैकल्टीज, बिकॉज उनके पास भी इश्यूज हैं कि नए नए फैकल्टीज हो रहे हैं, थोड़े एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, बिकॉज जो और एक्सपीरियंस। यार, और यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर समझ लीजिए आपको लग रहा है कि ये यहीं से आईआईटीज या फिर कहीं, नेवरदलेस अगर समझ लीजिए आप कहीं से ऐसे ही कॉलेज हैं जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं देता, वहां से उन्होंने पीएचडी या पोस्ट डॉक किया है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत नॉलेजेबल है। प्लस उनका ऐसा है कि यार अगर ऐसा है कि कुछ कंडीशन के हिसाब से उन्होंने नहीं किया और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है यहाँ They पर। are on the exceptional side. Actually, there are more than there because we have a live examples of that. The professor who are not from IIT or in fact foreign universities and but are teaching very well, very good. They are very good in teaching and also good in not in only teaching but explaining things. वो इस तरीके से समझा देते हैं कि हमें समझ में आ ही जाती है. So because faculties के लिए तो हमें we are just wasting time, क्योंकि students को पता है कि यार faculties से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, because we are going to that institute जहां पर जो स्क्रीनिंग होती है फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट के टाइम पर, वो इतनी टफ है जो जेई की नहीं होती है, जो इनफैक्ट किसी एग्जाम की नहीं होती है। सो दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू दी वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, कि जो स्टूडेंट बार बार बोलता है हमसे कि सर ये बताओ ये बताओ। सो नाउ द प्लेसमेंट सिनारियो, कि आईआईटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट सिनारियो है, वी नो कि बीटेक का क्या सिनारियो है, ओनली क्रोर्स ऑफ क्रोर्स की सुनते तो बहुत है, बट वी नो दैट दैट क्रोर्स ऑफ पैकेज आर नॉट इन हैंड, एक्चुअली कुछ ही पोर्शन ऑफ दैट मनी वो उनके हाथ में आती है। बट यस, ये हाइप तो है कि आईआईटी बॉम्बे में करोड़ ऑफ पैकेजेस लगते हैं बीटेक सीएस के और डिफरेंट ब्रांचेस के, बट एज वी आर ए स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स फिजिक्स और गोइंग टू राइट आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जामिनेशन एंड प्लानिंग टू गो फॉर आईआईटी बॉम्बे फॉर देयर मास्टर्स इन जियोफिजिक्स, सो अभिषेक कैन यू टेल अस कि वहां पर जियोफिजिक्स के लिए कितना ट्रेंड है, कौन से रिक्रूटर्स हैं जो आते हैं मोस्टली, एंड वन ऑफ द बेस्ट की पैकेज का क्या सिस्टम है? ऑलराइट, सो ओके, लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर। पिछले 2-3 साल से, नॉट ड्यू टू कोविड इटसेल्फ, एज अ होल ऑयल इंडस्ट्री, देखो हमारा क्या होता है जियोफिजिक्स में, अगर आप सिर्फ डोमेन जियोफिजिक्स पढ़ेंगे तो या तो आप बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑफ कैंप मतलब अगर आप समझ लीजिए ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे हैं, और साथ साथ अगर आप नॉन कोर ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि आपका आपको यहाँ पर जियोफिजिक्स में आया, आपको इंटरेस्ट आया बट आपको एट द एंड लग रहा है नहीं यार मेरा नहीं हो रहा है, तो आप नॉन कोर में भी ट्राई कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू और अदर आईआईटीज दैट आर प्रोवाइडिंग जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, राइट। और ये 2 साल का है आपको, मतलब यहाँ पर ये 3 साल का एमएससी टेक कोर्स नहीं है, बीएचयू में शायद एमएससी टेक 3 साल का होता है। तो ये कोर्स, ये सब अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपने जो सुना है करोड़ के पैकेज ऐसा नहीं है, बट जो भी है आपको जो भी बहुत अच्छा चीज यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको दिख रहा है कि भाई कोई बंदा है जो एक्स डिपार्टमेंट बैठा है जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी सेम कॉलेज में बैठा हूँ, यहाँ पर जो है कलेक्टिवली बहुत अच्छे रैंक लेके सब आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि सब लोग रैंकर्स ही हैं, अब यहाँ पर आकर सब कॉमन डोमेन में आ गए, अब सब बराबर, तो यहाँ पर रैंकर्स की वजह से इतना इतना अच्छा फिल्ट्रेशन है कि उनको पता है, कंपनीज को पता है कि भाई तगड़ी स्टूडेंट्स हैं, अच्छी कंपनीज ही आएंगी, तो आप नॉन कोर में ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, बहुत अच्छी कंपनीज, और नॉन कोर में सिर्फ यही नहीं कि कोडिंग स्किल चाहिए, मशीन लर्निंग का बहुत सारी चीजें, फाइनेंस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, या फिर और कुछ एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन फील्ड के एजुकेशन तो फील्ड, टेक, राइट राइट राइट, वेरी गुड। तो ये हो गया, फिर नॉन कोर की बात छोड़ के, नॉन कोर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें छोड़ के फिर आप स्टार्टअप कर सकते हैं, यहाँ पर फिनकॉफ करके एक बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छा एक फील्ड मिलेगा, डोमेन मिलेगा जहाँ पर स्टार्टअप्स में आपको इंटर्नशिप मिलती है, और वहां से डायरेक्ट पीपीओ, मैंने सुना है कि बहुत मैक्सिमम केस में लग जाता है अगर आप इंटर्नशिप अच्छी करते हैं, तो आप एक स्टार्टअप स्टार्टअप में डोमेन में घुस सकते हैं, पर खुद से स्टार्टअप की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो भी उसके लिए प्रोवाइड करता है, आपको इक्विपमेंट्स वगैरह देंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं यार मैं सर्वे के लिए तब इतना पैसा मेरे को दिया जाता है, एक्चुअली होता क्या है आप सर्वे सीख लेते हैं जियोफिजिक्स में, फिर आप उस सर्वे को एक्चुअली अप्लाई करने के लिए आप कंपनीज या फिर बहुत सारे ओनर प्राइवेट ओनर्स रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये ले इतना पैसा है, इतना देर को ले ले मेरे ग्राउंड का सर्वे कर दे, और सर्वे आप जियोफिजिक्स में पढ़ते हैं
साइस्मिक सर्वे होगा, लॉगिंग होगा, यस यस ऑफशोर सर्वे ऑब्वियसली, होगा, आप पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो आप स्टार्टअप में जा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ही हो गया। और फोर्थ ऑप्शन अगर मैं डायरेक्टली जंप करूं, जो यहाँ का प्लेसमेंट का सीन है, जो सब लोग सोच रहे हैं कि ये यही ये क्या है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 साल से ऑयल इंडस्ट्री एज अ होल डाउन गई है, और हमारा प्लेसमेंट मेजरली तीनों ही आई टी, बी एच यू, एस एम, और तीनों में या तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में होता है, काफी कम है, क्योंकि वहाँ पर जियोलॉजी के स्टूडेंट ज्यादा लेते हैं, जियोफिजिक्स कम प्रिफर करते हैं, या तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, अगर मैं सिर्फ कोर डोमेन जियोफिजिक्स की बात करूँ। और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको पता है कि पीएसयूज में ओएनजीसी लार्जली प्रिफर करती है, और यहाँ पर एक ऐसा सीन है कि 1 साल आती है 1 साल नहीं आती है ओएनजीसी यहाँ पर, मतलब कंसेक्यूटिव 2 साल अभी नहीं आई है, 6-7 साल हो गए, 2 साल कंसेक्यूटिव नहीं आई है, लाइक लास्ट ईयर में आई थी, तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि शायद से ना आए। बट अगर आप यहाँ पर आते हैं, वो एनवायरमेंट मिलता है, आप गेट काफी अच्छा निकाल लेंगे, अगर आपका फोकस गेट की तरफ है, और गेट में आपके रैंक आ जाती, तो जैसे हमारे सीनियर्स के आए हैं, तो उनका मोस्ट प्रोबेबली उनका गेट गेट के थ्रू ओएनजीसी में हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन ऐसा है कि एक्चुअली हमारा जो काम रहता है वो एक्सप्लोरेशन का रहता है, हमको एक्सप्लोर करना होता है, और बाकी प्रोडक्शन और अप्रेजल, मतलब प्रोडक्शन अपस्ट्रीम हमारा काम है, और डाउनस्ट्रीम मिडस्ट्रीम करके बिजनेस होता है ऑयल गैस के, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें मतलब हमारे लिए नहीं आती है, बीपीसीएल जैसे हो गया। बट वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, ऑयल गैस में भी इनफैक्ट इंटरेस्ट है, तो हम वो सब चीजें पढ़ सकते हैं, उन सब चीजें में अप्लाई कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आपका ओएनजीसी जो हमारे लिए सिर्फ ओएनजीसी है, श्लेम्बर जे है, श्लेम्बर जे एक बहुत अच्छी कंपनी है एक्सप्लोरेशन मुंबई में, उसका एक क्योंकि मुंबई बेसिन में उसका एक सेंटर है, तो इसलिए मुंबई में आती है, मतलब मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ज्यादा प्रीफर करती है, और उनका कुछ कनेक्शन भी है आईआईटी बॉम्बे से। एंड द थर्ड वन इज केन, जो कि वेदांता की कंपनी है, आपने सुना होगा मिनरल्स वगैरह के लिए काफी, आप सर्च भी कर सकते हैं केन इंडिया। तो तीन कंपनीज ही हो गए, अपार्ट फ्रॉम देम हेलीबर्टन करके एक कंपनी है, जो के लिए नॉन कोर के लिए आती है, मतलब उनको डाटा साइंस से रिलेटेड काम चाहिए, अगर आप आप पूरे इस जियोलॉजी अर्थ साइंसेज में कोई भी डिपार्टमेंट के हो और आपको थोड़ा डोमेन नॉलेज डाटा साइंस सब की है, तो वो कंप्यूटेशनल वर्क में आपको ले लेंगे हेलीबॉर्ड। तो ये फोर कंपनीज हैं, और भी कंपनी, ये फोर कंपनी काफी फ्रिक्वेंटली आया करती है। एक्चुअली दैट यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि यू आर नॉट लिमिटेड टू कि आप अपने डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट में फिक्स रहे हैं, यू कैन गो फॉर कॉमन कैरियर डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली कि बिल्कुल हमें मैं एमएससी जियोफिजिक्स का स्टूडेंट हूं बट आई वांट्स टू टीच फिजिक्स, तो यू कैन या अप्लाई फॉर आकाश इंस्टीट्यूट लाइक या डिफरेंट कोचिंग, यू आर नॉट बाउंड टू कि हाँ हमें सिर्फ जियोफिजिक्स के ही प्लेसमेंट मिलेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और एक जैसे कि अभिषेक ने मेंशन भी किया है कि आपके पास एक मौका होता है कि यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, कि या आप कभी आप बीटेक सीएस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कभी आप एमटेक एआई के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कभी आप मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कभी पता चल रहा है कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट, तो ये जो डाइवर्सिटी आपको मिलती है आईआईटीज में, इससे आपका ब्रेन लेवल ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आप एक जगह लिमिटेड नहीं रहोगे कि यार मेरे को सिर्फ ये पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव एट आईआईटीज अ सिस्टम ऑफ इलेक्टिव्स, ओपन बास्केट इलेक्टिव्स, यू कैन टेक मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेस, उससे फिर आपको और समझने को सुनने को मिलता है अलग अलग स्टूडेंट से, ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। तो डोंट थिंक कि प्लेसमेंट आपके लिए एक बैरियर होगा, वो इजीली आपको मिल जाएगा इफ यू आर गुड एट योर स्किल्स, डेफिनेटली। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ, मतलब मैं स्ट्रांगली बात करूँ, सिर्फ कोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और सिर्फ स्पेसिफिक इन टीचर कंपनी में फोकस कर रहे हो, तो ऐसा है यार, ये डबल और नथिंग का गेम है, मतलब अगर आपको मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उनमें नहीं मिलेगा। अब पैकेज अगर आप जानना चाहते हैं, तो सीटीसी अगर मैं बोलूँ, मतलब जो इन हैंड नहीं है, जो सीटीसी ओवरऑल चल रही रहती है, श्लम्बर जे काफी अच्छा देती है, हमारी सुपर सीनियर को 24 लाख दिया था पर एनम, उन्होंने एक्चुअली उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वही उनका जो मेन पर्पस था, उनको जर्मनी में पीएचडी करना था, उन्होंने छोड़ दिया, वो काफी एक्सेप्शनल स्टूडेंट थी, काफी अच्छी स्टूडेंट थी। देन 24 उनका अच्छा रहता है, क्योंकि वो प्राइवेट और वो काम भी ऐसा करवाएंगे, तो ये भी है। देन ओएनजीसी का आई गेस 20 के अराउंड, 16-20 लाख, इन सब चीजों का ऐसा है। और नॉन कोर में तो आप जानते हैं कि बाहर काफी हाई रहता है, मतलब इफ यू आर सिंगल लाइन, इफ यू आर गुड एट स्किल्स, वेदर अ जियोफिजिक्स की फिजिकल स्किल और कंप्यूटेशनल स्किल और एनी एजुकेशनल और टेक्निकल स्किल्स, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अ बैग अ गुड पैकेज एट आईआईटीज, बिकॉज़ यस। और आपको या कंटिन्यू करें, क्योंकि क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं कम होंगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, फर्स्ट डिसाइड। ये नहीं कि अब आप जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या आप फिजिक्स के स्टूडेंट है, यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आप सोचे कि मैं जा रहा हूँ गोल्डमैन सैक्स में अप्लाई करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना, डेफिनेटली नो कंपनी विल शॉर्ट आउट शॉर्ट लिस्ट यू,
सो एक्चुअली ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा. सो नाउ अभिषेक, इफ यू वांट्स टू से समथिंग दैट आप अभी कुछ कहना चाहते थे तो देन कंटिन्यू. या तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मतलब यहाँ पर आके स्टार्टिंग में आप ये सब चीज सोचेंगे, बट यहाँ पर आके आपको इन्वायरमेंट इतना डाइवर्स मिलेगा, आप मतलब खुद सोच पाएंगे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इंटरेस्ट इधर है मेरा, पर्पस चलो जियोफिजिक्स नहीं हो तो कुछ और है. बॉस इतनी अपॉर्चुनिटी बॉस यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में कि आपको एट दी एंड समझ में आएगा कि यार ये एक फैमिली है. बट टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे नहीं लगता किसी आईआईटी ने यहाँ पर हमको इस हॉस्टल में, हम आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में फ्रीली बैठे हैं, हम फ्रीली अभी यहाँ पर आराम से पूरा डिनर करके आए हैं, फ्रीली फ्रीली घूम सकते हैं मास्क के साथ ऑब्वियसली के बाद, बट ये कितनी अच्छी फैमिली है, इतनी डाइवर्स फैमिली है कि यहाँ पर उन लोगों को सबको बुलाया गया, सारे स्टूडेंट्स को, लाइक 50% ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, लैब में भी काम चल रहा है अपना, सब कुछ काम चल रहा है सारे प्रोटोकॉल्स के साथ ऑब्वियसली, बट ये एक फैमिली है और ये आपको फील ऐसे कॉलेजेस में ही आएगी, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यस इट इज डिफरेंट. मेरा थिंकिंग ऐसा था कि यार आईआईटीज क्या होता है, ठीक है अच्छा कॉलेज कुछ होगा, कुछ प्लेसमेंट होता होगा, ये कलेक्टिवली बहुत फैक्टर्स का रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत फैक्टर्स को आप पूरा कलेक्टिवली जोड़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल सकती है. और कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स मतलब सोच के देखो कि यार आपके पास सिर्फ प्लेसमेंट से रिलेटेड नहीं, आपको आपकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आएगा यहाँ पर आकर, आपको चीजें पता चलेगी और यहाँ पर आपको प्रेशर झेलना मतलब सीखने को मिलेगा कि आप वही बीएससी में आप पढ़ते हैं वो पता है कैसे पढ़ते ठीक हैं. है, ये सब तो आपने जो शेयर करी है, आई होप कि स्टूडेंट ने बहुत कुछ गेन किया होगा. लास्ट क्वेश्चन दैट पर्सनल टू यू, दैट कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेसिकली इफ यू आर थिंकिंग फॉर पीएचडी, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि वन ऑफ द रीजन की प्लेसमेंट, बट इफ यू हैव अ, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पीएचडी करना चाहता हूं या जस्ट फोकसिंग ऑन प्लेसमेंट? टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल डोंट नो, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, बट मुझे अभी क्लियरली परफेक्टली नहीं पता है. मुझे लगता है किसी आदमी को अभी किसी भी टाइम पे परफेक्टली पता नहीं आता कि क्या करना है, बट मोस्ट मतलब मोस्ट प्रॉबली मेरा ऐसा है कि मैं पीएचडी नहीं प्रीफर करूंगा. जियोफिजिक्स में हाँ, एक और जियोफिजिक्स में पीएचडी की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर इस डोमेन में पहले ही लोग ज्यादा जॉब सोच के आते हैं और मोस्ट प्रॉबली लोग पीएचडी करते नहीं, या फिर करेंगे तो उनको कोई जॉब लग जाती तो वो छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर एक खुला आपको पूरा गोल्डन माइन आप बोल सकते हैं कि जियोफिजिक्स में आप इतने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कॉम्पो नहीं है, मतलब आप किसी फील्ड में जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में घुस गए आप देख रहे हैं अरे भाई 20 पेपर ही पब्लिश हुआ है चलो मैं कर सकता हूँ, तो पीएचडी का बहुत तगड़ा स्कोप है जिसको करना चाह सकता है. बट मेरा ऐसा है कि अब मेरा फाइनल पर्पज अभी मेरे को पता नहीं है, मैं स्टिल डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा हूँ, बट मैंने एक सोचा है कि यार अभी फिलहाल मेरे को पोस्ट डॉक या फिर ये अभी नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना, डॉक्टरेट नहीं करना अभी फिलहाल. अंडरस्टूड. सो गाइस, आई होप कि आपने अभिषेक से कुछ फ्रूटफुल चीजें नोट डाउन कर ली होंगी जो ये इन्होंने शेयर करी हैं. और नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन इन एक्चुअली. सो माय बेस्ट विशेस is with you, Mr. Abhishek Sharma. Definitely you are going to do a best in your life, and I Let's hope hope. that is to, कि आपने टाइम निकाला स्टूडेंट्स के लिए, that matters a lot for all of us. So actually thank you so much for giving your time, 30 minutes of time. So that's it, and thank you, and lots of wishes. Do your best in your life. Anything wants to बाकी say? सर की वगैरह वीडियोस वगैरह देखते रहिएगा बहुत सही, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैंने जनवरी फरवरी जो जब तक जाम होता है, इनफैक्ट जस्ट टीएफआर के एक टाइम के टाइम भी मैंने बहुत फॉलो किया था सर को, सारी वीडियोस कलेक्टिवली जो आपका पूरा ओवर एंड ऑल जो पूरा कोर्स था कि जहाँ पर आप पूरे फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करवा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, सर बहुत हेल्प किया है, फैंटास्टिक जॉब. सो प्लीज, और इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, चिल मारो, जेई वाला है आराम से निकल जाएगा, तब मेरा निकल, और चिंता मत करो ठीक है, चिल मार के पढ़ाई करो यार, जाम जैसे सब निकलेगा अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ठीक ठाक, और यहाँ पर आकर सब डोमेन कॉमन हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये मत समझना कि आप ही अच्छे हो, सब अच्छे हैं ठीक है, और इंजॉय करो, लेट्स फील इट कि आप एक अच्छे, आपका एक पर्सनली डेवलपमेंट होने वाला है, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ नॉट जॉब ठीक है, मैं अच्छा पढ़ूंगा मेरे से मतलब मेरा एक पर्पज आएगा, मेरे को मेरी पर्सनलिटी डेवलप आएगा, मेरे को फाइनल पर्पज पता चलेगा यार मैं क्या, मेरा पोटेंशियल क्या है, कॉम्पिटिटर साथ रहूंगा, रैंक्स रैंकर्स के साथ रहूंगा जैसे लोग बोलते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, कल्चरल इवेंट्स होंगे, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेट्स फील करो आप ठीक है, उसके साथ फिर आपको फील आएगा नहीं यार मेरा जरूरी है मैं करूंगा और इतना डिफिकल्ट नहीं ठीक है. थैंक्स ओके, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू. सो गुड बाय एंड गुड नाइट.